जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट, बी रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। जब कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ने का प्रयास करते देखे जाते हैं तो स्वाभाविक ही चौतरफा चिंता उभरती है, मगर विचित्र है कि संवेदनशील विषयों को भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। झारखंड के देवघर हवाई अड्डे पर कुछ भाजपा नेताओं के जबरन उड़ान भरने की इजाज़त लेने को लेकर यही हो रहा है विराम। भाजपा के दो सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 7 लोग एक निजी विमान से झारखंड के दुमका में जलाकर मार डाली गई लड़की के परिवार वालों से मिलने गए थे। विराम, वहां से लौटते वक्त उनके विमान को उड़ान भरने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि उस हवाई अड्डे पर सूर्यास्त के बाद हवाई सेवाएं संचालित नहीं होती, मगर भाजपा नेताओं ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उड़ान भरने की इजाज़त लेने की कोशिश की। विराम, वे सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए चालक दल समेत हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष यानी ATC में घुस गए और जबरन उड़ान भरने की इजाज़त ली। इस पर ATC अधिकारी की तरफ से निशिकांत दुबे समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विराम, अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। निशिकांत दुबे झारखंड के मुख्यमंत्री और देवघर के जिलाधिकारी के बीच पहले ट्विटर वाकयुद्ध हुआ, अब इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। पैरा, दरअसल देवघर हवाई अड्डे को थोड़े समय पहले ही खोला गया है, अभी वहां रात को विमान संचालन की सुविधाएं नहीं हैं। जिन हवाई अड्डों पर यह सुविधा नहीं होती वहां सूर्यास्त से आधा घंटा पहले ही उड़ानें बंद कर दी जाती हैं। विराम, ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। हवाई सेवाओं को संचालित करने वाले प्राधिकरण DGCA ने इससे संबंधित नियम बना रखे हैं, मगर कथित रूप से भाजपा नेताओं ने विमान तय समय के बाद उड़ाने की इजाज़त लेने की कोशिश की। विराम, हालांकि भाजपा नेताओं का तर्क है कि निर्धारित समय से 5 मिनट पहले वे अपने विमान में बैठ चुके थे। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क पर टिके हुए हैं, पर इस मामले में गंभीर बात यह है कि भाजपा नेता हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष के भीतर घुस गए। यह कक्ष अत्यंत संवेदनशील माना जाता है और इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। विराम, ऐसा नहीं माना जा सकता है कि भाजपा नेता इस बात को नहीं समझते थे, मगर फिर भी वे जबरन ATC में घुसे तो जाहिर है कि उन्हें अपने सत्तारूढ़ दल का सांसद होने का गुरूर रहा होगा। पैरा, इस तरह राजनेताओं के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर बेजा काम करने का दबाव डालने का यह कोई पहला और नया मामला नहीं है। यह एक सामान्य बात मानी जाने लगी है, मगर चूंकि झारखंड में दूसरे दल की सरकार है और वहां हुई जघन्य हत्या के विरोध में ये नेता गए थे, इसलिए देवघर हवाई अड्डे के मामले को राजनीतिक रंग देकर कहा जा रहा है कि ऐसा राज्य सरकार के इशारे पर किया गया। विराम, नियमों की अनदेखी से उड़ान भरने वाले लोगों को भी खतरा था। कम हृदयशत में हवाई जहाज उड़ाने या उतारने की इजाज़त विशेष स्थितियों में ही दी जाती है, पर उसमें भी देखा जाता है कि चालक दल को ऐसे वातावरण में जहाज उड़ाने का माकूल प्रशिक्षण है या नहीं। फिर ATC में जबरन घुसकर इजाज़त लेना किसी कानून बनाने वाले का उचित आचरण नहीं माना जा सकता है। पैरा, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान बराबरी आदि को लेकर चाहे जितने भी कड़े कानून बनाए जाएं,
चाहे जितने जागरूकता अभियान चलाए जाएं, पर जब तक हमारे समाज की सोच में बदलाव नहीं आता तब तक सही मायने में स्त्री बेखौफ होकर नहीं जा सकेगी। हरियाणा के फतेहाबाद में हुई घटना से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है। एक महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ रेल में सफ़र कर रही थी। फतेहाबाद के टोहाना स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो महिला ने उसका विरोध किया। इस पर उस व्यक्ति ने महिला को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि टोहाना स्टेशन पर ज़्यादातर मुसाफिर उतर गए थे और अधिकतर डिब्बे लगभग खाली थे। हालांकि रेल में भीड़भाड़ होती तब भी ऐसी घटना न होने का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसी अनेक घटनाएं पहले देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुकी है। हर घटना के बाद रेल डिब्बों में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने, सुरक्षाकर्मी तैनात करने आदि के वादे दोहराए जाते हैं, मगर हकीकत यही है कि ऐसी घटनाएं रुक नहीं पा रही। रेलों ही नहीं, बसों, रास्तों आदि में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पैरा, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या की घटनाएं होती रहती हैं। उन्हें लेकर कुछ देर समाज और प्रशासन में हलचल दिखती है, पर फिर सब उसी पुराने रास्ते पर लौट पड़ते हैं। विचित्र है कि यह घटना उस राज्य में हुई है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। सरकार यह नारा तमाम जगहों पर लिखवाती है, हर सार्वजनिक वाहन के पीछे लिखा होता है, मगर इस नारे का कोई असर नहीं हुआ दिखता। लोगों की महिलाओं के प्रति धारणा बिल्कुल नहीं बदली है। दरअसल हमारा पुरुष प्रधान समाज अभी एक स्त्री को भोग की वस्तु से अलग देखने का नज़रिया विकसित नहीं कर पाया है। हालांकि स्कूली पाठ्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण और बराबरी के पाठ पढ़ाए जाते हैं, प्रयास किया जाता है कि लड़के स्त्री और पुरुष में भेद न करना सीखें, मगर हो इसका उल्टा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं। हालांकि महिला उत्पीड़न को लेकर कड़े कानून हैं और ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई का भी प्रबंध है, मगर उसका भय भी नहीं पैदा हो पा रहा। तो सोचने का विषय है कि इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है। पैरा, हालांकि केवल समाज की मानसिकता को दोष देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। पैरा, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी तरफ से बरती जाने वाली लापरवाहियां और जांच आदि में पक्षपातपूर्ण रवैया है। शर्म का विषय है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा की दर काफ़ी कम है। इसकी वजह है पुलिस में भी पुरुष प्रधान नज़रिए और तथाकथित उच्च जातीय बोध का होना तथा अपराधियों के साथ उसका नरम रवैया छिपी बात नहीं है कि निम्न कही जाने वाली जातियों की महिलाओं के साथ ऐसी हुई घटनाओं की एक रपट तक लिखने में पुलिस आनाकानी करती देखी जाती है, फिर रसूख वाले लोगों के अपराध को छिपाने का प्रयास करती हैं। विडंबना है कि इतने सारे मामलों के खुलासे और अदालतों की फटकार के बाद भी पुलिस का व्यवहार नहीं बदलता। महिलाओं की सुरक्षा महज वादों और नारों में नहीं हकीकत में उतरनी चाहिए। पैरा, इन दिनों भारत में विकसित देश बनने की संभावनाओं पर मंथन चल रहा है। विराम, यह अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान आमतौर पर अपेक्षाकृत ऊंची आर्थिक विकास दर, बेहतर जीवन स्तर और उच्च प्रति व्यक्ति आय से होती है। इसके अलावा उसे मानव विकास सूचकांक के मानकों पर अच्छा प्रस्तुतिकरण करने की भी ज़रूरत होती है। विराम, इसमें शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत चीज़ें शामिल हैं। इन सभी मानकों पर भारत अभी बहुत पीछे है और विकसित देश बनने का लक्ष्य पाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। विराम, पैरा, जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं
कि भारत 2047 में विकसित देश कैसे बनेगा, तो दो बातों का विश्लेषण करना होगा, पूर्ण विराम।